सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं गुरजीत, आप देख रहे हो अपना प्यारा चैनल मिस्टर सिंह ब्लॉग। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो वीडियो है कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा वर्सेस रेंटल वीज़ा, इसमें क्या फ़र्क होता है और हमको किस वीज़े पे आना चाहिए। तो आओ चलें। तो फिलहाल अभी मैं बात करूं इंडिया में बहुत सारे सऊदी कंपनी के पीछे जा रहे हैं और बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं कि वो सऊदी अरब आएँ। लेकिन सबसे पहला सवाल होता है कि कहां पर अप्लाई करें, अगर एजेंट के पास अप्लाई करें तो वीज़ा कौन सा मिलेगा, किस तरीके से, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। एजेंट उनको बोलता है कि भाई साहब ये कंपनी, इसमें आपका हैवी ड्राइवर का वीज़ा लगेगा या लाइट ड्राइवर का वीज़ा लगेगा, आपकी सैलरी इतनी है, ओवर टाइम इतना है और आपका ट्रिप इतना है, और उसके बाद वो भेज देता है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ आके अभी पछता रहे हैं। रिसेंटली 2-3 महीने की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बताया गया था कि आप कंपनी में जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर आने के बाद काम वो उसी कंपनी में कर रहे हैं लेकिन वीज़ा उनको रेंटल कंपनी ने दिया है। सवाल ये उठता है कि रेंटल कंपनी क्या होती है, रेंटल वीज़ा क्या होता है। किसी कंपनी को वर्कर की ज़रूरत होती है, या तो वो खुद वीज़ा निकालती है, जब वो खुद अपना वीज़ा निकालती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा। आपका कॉन्ट्रैक्ट सीधा कंपनी के साथ होगा, जिस भी आप एजेंट के थ्रू आते हैं पहले आपका एग्रीमेंट उधर साइन होगा, उसके बाद जब आप कंपनी में आओगे तो कंपनी में भी आपका एग्रीमेंट साइन किया जाता है। दोस्तों इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा, यानी डायरेक्ट कंपनी में। जो दूसरा वीज़ा होता है वो कैसा वीज़ा होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो किसी वजह से वीज़ा नहीं मंगवा पाती, या तो रेड लिस्ट में आ जाती हैं या फिर वो मंगवाना नहीं चाहती, उनको टेम्परेरी बंदों की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करती है कि रेंटल कंपनी से कहती है। रेंटल कंपनी वो कंपनियां होती हैं जिनका काम ही लेबर को मंगा के आगे कंपनियों में लेबर सप्लाई करना होता है। वो रेंटल कंपनी को कहती है कि हमको 1000 ड्राइवर चाहिए, 500 ड्राइवर चाहिए, तो वो रेंटल कंपनी क्या करती है, उस कंपनी का ऐड देके वीज़ा अपना भेजती है। काम आप उसी कंपनी में करोगे लेकिन आपको सैलरी जो है वो रेंटल कंपनी देगी। अब इनमें फ़र्क क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप किसी कंपनी में आते हैं तो आपको सैलरी डायरेक्ट कंपनी देती है, जिम्मेदारी जो होती है वो उस कंपनी की होती है जिसमें आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन रेंटल कंपनी में क्या होता है कि सैलरी आपको रेंटल कंपनी देती है, यानी कि जिस कंपनी में आपको भेजी के काम करने के लिए उससे पहले रेंटल कंपनी सैलरी लेती है और उसके बाद आपको सैलरी देती है। आपकी सैलरी कितनी होती है, 1000 या 1200, लेकिन जो रेंटल कंपनी होती है उनका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से होता है, वो उससे चाहे 2000 पर पर्सन ले, 3000 पर पर्सन ले, वो उनकी आपस की बात है, लेकिन आपको 1000 या 1200 ही मिलेगी जो आपका रेंटल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। दोस्तों पहले रेंटल कंपनी के थ्रू लेबर आती थी, लेकिन अभी कुछ सालों से क्या हो रहा है कि टेक्निकल काम में और यहाँ तक कि हैवी ड्राइवर, लाइट ड्राइवर भी रेंटल कंपनी के थ्रू आ रहे हैं। अभी कई ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्या हो रहा है कि रेंटल कंपनी के थ्रू ड्राइवर आ रहे हैं, सैलरी उनको रेंटल कंपनी दे रही है लेकिन जो वो ट्रिप लगाते हैं जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो ट्रिप उसको कंपनी डायरेक्ट दे रही है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आए थे कि सर बताइए रेंटल वीज़ा और कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा में क्या फ़र्क है। बस यही फ़र्क है, कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा में आप डायरेक्ट कंपनी में आते हैं, सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है। रेंटल वीज़ा में आप रेंटल कंपनी के थ्रू आगे किसी कंपनी में काम करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि किस वीज़े में आना चाहिए। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा डायरेक्ट कंपनी वीज़ा पे आए। रेंटल कंपनी में क्या है, मान लीजिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आज आपको एक कंपनी में भेजा गया, 1 साल बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो आपको दूसरी कंपनी में भी भेज सकती है आपकी रेंटल कंपनी। जितने भी मेरे भाई नए लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं, अभी जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो अधिकतर जो है रेंटल कंपनियों के थ्रू ही लोग मंगा रही है। अभी जो भी नई वैकेंसी जा रही है सब लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने एजेंट से अच्छे तरीके से पूछे कि ये डायरेक्ट वीज़ा या रेंटल कंपनी के थ्रू वीज़ा है, क्योंकि एजेंट अपने मुनाफे के लिए आपको भेज देता है। उसको पता है कि यहाँ पर आने के बाद आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आप सऊदी अरब में आ चुके हैं, अब आपको 2 साल काम करना ही पड़ेगा, चाहे आप हंस के काम करें चाहे रो के काम करें। दूसरा, अब ट्रांसपोर्ट में भी ये सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ भी रेंटल कंपनी के थ्रू लोग मंगा रही हैं। जितने भी मेरे ड्राइवर दोस्त हैं अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि हम छोटी गाड़ी में जाएं, तो दोस्तों आप छोटी गाड़ी में आने के बजाय आप बड़ी गाड़ी यानी ट्रेलर ड्राइवर में आएँ। ट्रेलर ड्राइवर में आने से क्या होता है कि आपकी बेसिक 1200 तो लगती ही लगती है लेकिन आप ट्रिप में पैसा कमा जाते हो, वो तो चलो एक अदर बेनिफिट है ही, लेकिन जो लोग 12th पास हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप इधर आए हैवी ड्राइवर में, 2 साल अपना एक्सपीरियंस लें और ऑन जॉब रहते हुए आप कैनेडा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली कुछ लोग इधर से 1.5 साल में 2 साल में कैनेडा एम्बेसी में अप्लाई करके कैनेडा पहुँच चुके हैं।
डेढ़ दो साल का एक्सपीरियंस लें और उसके बाद आगे के लिए अप्लाई कर दें। लोग ये पूछते हैं कि सर एजेंट के बारे में बताऊँ। दोस्तों एजेंट आपको ही ढूंढना होगा क्योंकि बहुत सारे एजेंट हैं। आप जब भी किसी एजेंट के पास इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप उनसे डिस्कशन कीजिए। कुछ उसमें से आपको लोग ऐसे भी मिल सकते हैं जिनके रिलेटिव्स भाई को या किसी दोस्त यार को उस एजेंट ने पहले भी भेजा होगा, यानी कि आप उस एजेंट का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करें। जो हमारा टेलीग्राम में ग्रुप है मिस्टर सिंह ब्लॉग, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मेरा मकसद बस यही रहता है वीडियो बनाने का कि आप मेरी वीडियो देखें तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आप किसी एजेंट के पास पहली बार जाते हैं, उसके पास एकदम से पासपोर्ट या पैसे ना फंसाएं। आप तीन चार एजेंट से मिलें, थोड़ी नॉलेज लें। आप जिस भी इंटरव्यू में जाते हैं उधर लोगों से मिले जो उधर इंटरव्यू देने आए, एक दूसरे से अपना नंबर शेयर करें और उनसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट में रहें। अकेला आदमी अगर निकले तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर टीम काम करे तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। जब आप एक दो तीन एजेंट के पास जाओगे, वहाँ पे जो आपको लोग मिलेंगे आपके जैसे जो भी सऊदी अरब जाना चाहते हैं, जब उनसे आप नंबर एक्सचेंज करोगे, डेली कन्वर्सेशन करोगे, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी एक यूनिटी होगी, आप मिलके एक जगह पे जाएंगे, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और ये पॉसिबल भी है कि आपको कोई अच्छा एजेंट मिल जाए और आप सऊदी अरब में किसी अच्छी कंपनी में आ जाए। शेयर तो करना ही है, लेकिन लाइक भी कर देकर उससे क्या है, मेरा हौसला बढ़ जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब।